हेलो एवरीवन, CU CET को लेकर आपको बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि CU CET इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होगा या नहीं। 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के अंदर जो CU CET एग्ज़ाम पैटर्न है, उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम में सिलेबस आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम में किस प्रकार से देखना पड़ेगा। तो बहुत फुल्ली डिटेल्स में मैंने एक CU CET को लेकर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, वहाँ पर क्लिक करके आप CU CET के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कि अगर आपको CU CET के बारे में नहीं पता तो वो वीडियो देख लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो वीडियो, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप है कि आप सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते वक्त CU CET एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। CU CET के अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो CU CET की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक प्रकार का प्रवेश परीक्षा होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इंग्लिश में एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं इसको। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होगा या नहीं, ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस बार 90% चांस है कि एडमिशन CU CET के पैटर्न के तहत हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि 90% चांस क्यों है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो VC हैं, VC वाइस चांसलर, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफिशियली न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में बकायदा बता दिया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 के स्टूडेंट्स के लिए अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, CBSE बोर्ड्स एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में CU CET एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते हैं बोर्ड के, होते हैं एग्ज़ाम तो हो सकता था कि ना ले, लेकिन ये ऑफिशियली बोल दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC ने कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में CU CET होगा अगर 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं तो। तो 100% तो नहीं, लेकिन 90% चांस है। 90% मैं आपको बता रहा हूँ, एफिकेसी इसकी दे रहा हूँ कि 90% चांस है कि CU CET होगा। तो आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी छोड़कर CU CET की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि CU CET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य कर रहा है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे उनको CU CET एग्ज़ाम के तहत ही कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको CU CET के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं CU CET के बारे में फुल सिलेबस, टाइम टेबल और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब पूरी डिटेल्स उस वीडियो में मैंने आपको बता रखी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी CU CET को लेकर, और स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर CU CET होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं 100% नहीं, लेकिन 90% श्योर हूँ कि इस बार CU CET के तहत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आपको CU CET के बारे में कुछ नहीं पता तो सब कुछ पता चल जाएगा अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो। CU CET के बारे में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दे रखा है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इसके साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशंस के लिए, क्योंकि कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ इस सेशन 2021 स्टूडेंट्स को इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स का में लिखने के बाद मैं आंसर आपका ज़रूर 100% रिप्लाई करूँगा सभी स्टूडेंट्स का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।